For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum. My name is Dr. Saira Zeeshan. I did my graduation from Fatma Jinnah Medical University in 2006. Then I complete my fellowship by doing residency at Jinnah Hospital and did my fellowship in 2013. I'm affiliated with field of gynae and obs for the last 12 years. I have participated in multiple workshops, run training programs regarding contraception, family planning, chorionis villus sampling, multiple programs on infertility and fetal medicine. And my field of interest are infertility and fetal medicine. सेहतमंद बच्चा और सेहतमंद माँ हर इंसान की ख्वाहिश है. उसके लिए हमें हामला औरतों को कुछ हिदायत मैं देना चाहूँगी जो कि वो हमल के दौरान उस बात का ख़ास ख्याल रखें. एक तो जैसे ही उन्हें हमल ठहर जाए वो फौरन अपने करीबी किसी भी सेहत हेल्थ सेंटर में या सेहत के सेंटर में जाके अपनी बुकिंग कराएँ ताकि हर माँ उनके टेस्ट हो सके, उनका अल्ट्रासाउंड हो सके, उनका ब्लड प्रेशर चेक हो सके. तीन चीज़ें जो कि हमारी इस पंजाब में या ऑल ओवर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो औरतों में खून की कमी है जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो शुरू से अपनी ग़िज़ा पे तवज्जो दें और अपना प्रॉपर चेकअप कराएं, फौलाद वाली गोलियां इस्तेमाल करें. दूसरा ब्लड प्रेशर का मसला है, जिस ब्लड प्रेशर के मसले के साथ पेशाब में चर्बी का आ जाना, इसके लिए जब वो अपना रूटीन चेकअप कराएंगी तो ये मसला भी उनका काफ़ी हद तक हम कवर कर लेंगे. और तीसरी चीज़ है शुगर की शिकायत. जिसकी भी ख़ानदान में या पहले माँ बाप में या किसी में शुगर की शिकायत हो या पहले से बहुत ज़्यादा बच्चे ज़ाया हो रहे हों, मुर्दा बच्चे पैदा हों, बच्चे वज़न में बहुत ज़्यादा हों, उन तमाम औरतों से है कि वो शुरू में अपना शुगर का टेस्ट ज़रूर कराएं. कोई भी औरत दुनिया में ऐसी नहीं है जिसको अल्लाह ताला ने बांझ बताया हो. वक्ती तौर पे बाज़ुकात हमल में देर हो सकती है. उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो औरत जिसको 2 साल तक शौहर के साथ रहने के बावजूद हमल ना हो वो अपने ज़रूरी टेस्ट करवाए, और वो औरत जिसका एक बच्चा हो और फिर काफ़ी साल तक उसको हमल ना हो उसके लिए भी टेस्ट ज़रूरी है. तो इसके लिए आप अपने करीबी सेंटर से जाके सारे अपने टेस्ट कराएं. सबसे ज़्यादा वजह उसमें यूजली औरतों के अंदर मोटापा, अंडेदानी में पानी की थैलियों का बन जाना और वक्त पे अंडे का ना निकलना है. उस और दूसरी बात यह है कि बाज़ुकात आप जो औरतें पब्लिक सेक्टर से दवाइयां वगैरह रखवा लेती हैं जिसकी वजह से ये मसला हो जाता है कि उनकी ट्यूबें इन्फेक्टेड हो जाती हैं, तो उनके लिए ट्यूबों का टेस्ट ज़रूरी है. तो मेरी तमाम औरतों से ये है कि जिन औरतों में भी हमल ना होने का या हमल देर से होने का मसला है वो अपने करीबी सेंटर से जाके तमाम टेस्ट कराएं, और ताकि उन तमाम वजूहात पे हम काम कर सकें. और इन तमाम वजूहात का इलाज मौजूद है. हमारे पास नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें अब हम टेस्ट ट्यूब बेबी और इसके अलावा भी मेथड्स पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं. आजकल यंग बच्चियों में और इसके अलावा भी बहुत से लोगों में पीरियड्स के इररेगुलर होने का मसला बहुत कॉमन है. हर वदर माँ इस वजह से परेशान है कि बच्ची को पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे. उसके लिए चंद ज़रूरी हिदायत ये हैं कि हमें सबसे पहले अपनी ज़िंदगी के तर्ज को थोड़ा बदलना होगा. उस सबसे पहले आपको डेली रेगुलर वॉक या एक्सरसाइज की रूटीन बनानी होगी. दूसरी बात ये कि अपनी खुराक में चिकनाई और चिकन और ऐसी तमाम चीज़ें जो स्टीरॉयड पर बेस्ड हैं उनको कम से कम कीजिए और अपने वज़न को कंट्रोल कीजिए. इसके अलावा जैसे ही आपको ये मसला लगे कि पीरियड्स जो हैं वो इररेगुलर हो गए हैं अपने करीबी डॉक्टर से राबता कीजिए ताकि वो उसकी वजह मालूम कर सके, आपको मुनासिब दवाइयां दे सकें. अगर आपको पीरियड्स के दौरान आपको दर्द या हैवी फ्लो का प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप करीबी डॉक्टर से फौरन रजू करें, क्योंकि बाज़ुकात ये पेन पीरियड्स के साथ फिजियोलॉजिकल होती है जो कि सेटल हो जाती है. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको सवेर पेन है जो कि दवाई से नहीं सेटल हो रही और आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है जिसकी आपको लोथड़े आ रहे हैं, तो उसके लिए बच्चेदानी के अंदर कोई मसला हो सकता है. उसके लिए सबसे पहले ये है कि आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, उसके साथ खून का टेस्ट कराएं और ख़ुराक में फौलाद वाली चीज़ें और गोश्त का इस्तेमाल करें ताकि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आपको महसूस ना हो, और अपने करीबी डॉक्टर से फौरन कंसल्ट करें ताकि वो देखे कि उसकी वजह क्या है. क्योंकि जब तक हम प्रॉपर वजह की तशखीस नहीं कर लेते, हर एक बीमारी को उसके मुताबिक हम तभी ट्रीट कर सकते हैं जब हमें उसकी कॉज का पता है. ब
बर्थ कंट्रोल पिल्स फर्टिलिटी को इस तरह इफेक्ट नहीं करती। दिस इज़ अ मिथ, एक मिसकंसेप्शन है हमारे लोगों के जहन में। बेसिकली जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, इनका मकसद ये होता है कि ओविलेशन नहीं होने देती। तो जब आप इन पिल्स को छोड़ते हो तो पेशेंट्स में ओविलेशन कुछ अरसे में रिज्यूम हो जाती है, 6 months to 1 year। लेकिन क्योंकि उस वक्त व्हेन दे लीव, तो पेशेंट सोचता है कि मैंने दवाई छोड़ दी तो अब फौरन ही नेक्स्ट मंथ में प्रेग्नेंट हो जाऊँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसमें थोड़ा टाइम लगता है और ये हम पेशेंट्स को बताते हैं पहले। प्रेगनेंसी में डाइट से रिलेटेड ये है कि आपने एक बैलेंस डाइट लेनी है। और प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट है जिसमें आपका 500 किलो कैलोरीज आपको एडिशनल लेनी होती हैं, लेकिन उसके लिए आपका वज़न, जो प्रेगनेंसी के वक्त वज़न है, वो बहुत ज़रूरी है। वो पेशेंट्स जो कि उस वक्त ओवरवेट हैं, जिनका BMI 25 से ज़्यादा है, वो अपनी डाइट में न्यूट्रिशियस चीज़ें जिसमें फ्रूट्स हैं, दूध हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सोडा ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, चिकनाई वाली चीज़ें और वो चीज़ें जिनकी कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा है, उसको कम इस्तेमाल करें। और वो लड़कियाँ जो कि अंडरवेट हैं, उनके लिए प्रेगनेंसी में हमें उसके अकॉर्डिंगली डाइट को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। लेकिन मेरी आपको तमाम लड़कियों के लिए जो कि प्रेग्नेंट है, वो गोश्त का इस्तेमाल ज़रूर करें। गोश्त में मटन है ताकि वो अनीमिया से अपने आप को बचा सकें। इसके अलावा कोशिश करें कि प्रेगनेंसी में नेचुरल चीज़ों का, फलों का, दूध का और इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और जंक फूड, फास्ट फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये सारी जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, ये कम से कम यूज़ करें। अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए और आप मुझे आके दिखाना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मरहम। उनके नंबर्स अवेलेबल हैं, हेल्पलाइन अवेलेबल हैं, वहाँ से आप बुक करा सकते हैं और उसके बाद दे शेल डायरेक्ट एट टूवर्ड्स मी।